हेलो नमस्ते, मैं हूँ आयुष रिकमा। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आयुष टिप्स में। तो आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं और डॉक्टर की महंगी महंगी फीसों से आप बचना चाहते हैं। अब तक आपने जो भी नियम अपनाए, जो भी रूल्स को फॉलो किया अपनी पूरी लाइफ टाइम में, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रूल बताऊंगी जो कि इतना ज्यादा इजी है, इतना ज्यादा इजी है कि आप इसको आराम से फॉलो कर पाएंगे। और अगर इस रूल को आप एक बार फॉलो करने की आदत डाल लें और इसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करें, एक दिन बिना एक दिन स्किप किए, तो आप यकीन मानिए कि जो डॉक्टर की फीस आप दे रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। आपको याद नहीं रहेगा कि आप लास्ट टाइम डॉक्टर के कब गए थे। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बॉडी में चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर आप डॉक्टर के पास जा जा के थक चुके हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए आप परेशान होकर थक चुके हैं, अपने ही शरीर से अगर हार चुके हैं, क्योंकि इसमें आए दिन कोई ना कोई तकलीफ लगी ही रहती है, तो इस रूल को जो मैं आज आपको बताऊंगी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेंगे अपनी ही बॉडी से और बहुत ज़्यादा हेल्दी और फिट रहने लगेंगे। इस रूल को एक बार बताने से पहले सबसे बड़ी बात एक चीज़ मेंशन कर दूं कि इस रूल में अगर आप कोई भी हैं जो आप देख रहे हैं, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आपके घर में कोई एल्डर्स हैं, बड़े हैं, तो उन सभी पर अगर आप ये रूल लगा दें और इस रूल को आप पूरी फैमिली मिलकर फॉलो करें तो आपकी फैमिली में कोई भी बीमार नहीं होगा कभी भी। तो अब इस जो रूल है जिसकी तारीफ मैं इतनी कर चुकी हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर 80% से भी जो भी ज़्यादा तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, वो इस एक रूल को फॉलो करने से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये इतना सा रूल है जिसको आप आराम से फॉलो कर सकते हैं और एक बार आदत लग जाए तो ये आपकी आदत छूटेगी नहीं, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो ये रूल कौन सा है? ये रूल है इंटरमिटिंग फास्टिंग। ये इंटरमिटिंग फास्टिंग आपने बहुत सारे वीडियो इनके पहले भी देखे हुए होंगे, तो आज मैं आपको कुछ और नया बताती हूँ। इंटरमिटिंग फास्टिंग हमारे इंडिया में कोई नया कल्चर नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत पहले के टाइम से इंटरमिटिंग फास्टिंग करी ही जाती है, क्योंकि हमारी जो अगर पहले के टाइम पर देखें या कुछ एक जो हमारे समाज हैं, हिंदू समाज के कुछ धर्म हैं, वहाँ पर आज भी इंटरमिटिंग फास्टिंग में हम सूर्य जब ढल जाता है यानी सूर्य अस्त के बाद हम कुछ और नहीं खाते हैं, अगले दिन सूर्य उदय होता है उसके बाद ही हम कुछ खाते हैं। ये जो नियम है ये हमारे लिए नया नहीं है, इसे हम अडेप्ट करें करने में हमें कोई मुश्किल हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारे पुराने टाइम से हम फॉलो करते आ रहे हैं। बस हमें इसको आज के टाइम पे वापस से अपनी लाइफ में ऐड करने की जरूरत है। तो इंटरमिटिंग फास्टिंग में आपको क्या करना होता है और आखिर हम इंटरमिटिंग फास्टिंग क्यों करें? हम रात को 10 बजे क्यों नहीं खाना खा सकते हैं? हमें जब भूख लगे हम तब खाना खाएंगे, क्योंकि हमें आदत है दिन भर ठूसते रहने की। हमारा जब मन करता है हम तब अपने शरीर में कुछ डाल देते हैं। हमने थोड़ी देर आधे घंटे पहले कुछ खाया, उसके बाद हमने आधे घंटे बाद कुछ और डाल लिया, बिना सोचे समझे अपने एक हाथ में हम फोन लेते हैं, वीडियो देखते हैं, और कोई भी स्नैक्स हो गया, जंक फूड हो गया, या कुछ भी अनशंड चीजें हम एक डस्टबिन की तरह अपने बॉडी में भरे जा रहे हैं, कचरे की तरह। एक कचरे का डब्बा भी जिस तरीके से अंत में जाके जिसका कचरा बाहर गिरने लगता है, बस वही हालत हो गई है हमारी इस बॉडी की। हमारी इस बॉडी में बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, जैसे आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं, गर्ल्स में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, PCOD, PCOS, या फिर पीरियड्स इनरेगुलर, पीरियड्स आते ही नहीं हैं, या फिर उसके जगह आपके किडनी में स्टोन्स हो गया, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, या फिर कहीं पर भी बॉडी में आपके बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या कहीं कहीं तो बाल बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रे हो जाते हैं, छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा जल्दी वाइट सफ़ेद बाल आ जाते हैं। तो ये जो भी प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होता है कि हम बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और जो खाते हैं वो दिन भर खाते हैं। एक कचरे के डब्बे की तरह हम अपने शरीर को भी भरे जा रहे हैं बिना इसकी ज़रूरतों को जाने हुए। तो इंटरमिटिंग फास्टिंग क्यों ज़रूरी है? इंटरमिटिंग फास्टिंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अगर पूरे दिन की फास्टिंग नहीं कर सकते हैं तो इंटरमिटिंग फास्टिंग में हम एक टाइम निश्चित करते हैं, एक टाइम को देखते हुए फॉलो करते हुए उस एक टाइम पे टाइम पीरियड पर हम कुछ और नहीं खाते हैं। टाइम पीरियड को हम किस तरीके से फिक्स करना चाहिए और ये आखिर ज़रूरी क्यों है? एक बात समझ लीजिए, छोटी सी बात, जैसे ही सूरज उगता है, सूरज की किरणों के साथ जैसे जैसे सूरज की किरणें तेज होती हैं, वैसे वैसे हमारे पेट में जो जठर अग्नि होती है जो कि खाने को पचाती है वो भी
तेज होती है। जैसे जैसे सूरज ढलता है जठर अग्नि बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, खाना पचने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा धीरे हो जाती है। तो बस एक चीज का ध्यान रखिए कि जब सूरज निकला हुआ है उस बीच ही आप कुछ खा लें। सूरज जैसे ही ढल जाता है, जैसे ही सूरज छुप गया, उसके बाद आप कुछ नहीं खा सकते हैं। इस एक नियम को बस सिंपल सा फॉलो कर लें। अगर आप इस एक नियम को फॉलो कर लेते हैं तो आपका शरीर हेल्दी रहने लगता है। किस तरीके से? हमारे पूरे शरीर में प्राण शक्ति होती है। प्राण शक्ति हमारे शरीर में, हमारे को, हम जब भी कुछ काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, या कोई भी अदर एक्टिविटी करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, या फिर हमारा बॉडी कुछ भी, हम जब सोचते हैं कोई भी चीज के बारे में, दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, दिमाग से कोई काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कोई भी काम करते हैं, जठर अग्नि उस काम को करने में हमारी हेल्प करती है कि हम उस काम को अच्छे से कर पाएं। इस बीच अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती है, आप सोचते हैं कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता है, तो उसका भी एक रीज़न हो सकता है। काम याद रखने में क्यों हेल्प नहीं कर रही है? क्योंकि उस बीच भी आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, बीच बीच में बस कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो जो हमारी वो प्राण शक्ति पूरा टाइम उस खाने को पचाने में ही लगी रहती है, तो वो हेल्प ही नहीं कर पाती है आपको कोई भी नई चीज़ याद रखने में। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई भी चीज़ याद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो करना शुरू कर दीजिए। मौका दीजिए अपनी प्राण शक्ति को सिर्फ एक काम करने का। सूरज जब निकला हुआ होता है उस बीच हमारी जो प्राण शक्ति है, अगर हम उसे खाना पचाने का मौका दें तो खाना पच चुका होता है अपने टाइम पे। इस बीच जो रात का टाइम है, अपने शरीर को हम हीलिंग का टाइम दें कि जो हमारी प्राण शक्ति है वो खाने को पचाने का काम पूरा कर चुकी हो, और उसके बाद हमारी बॉडी के जो भी टूट फूट होती है, जो भी अंदर की रिपेयरिंग होती है, वो हमारी प्राण शक्ति अपने टाइम पे कर पाए। और ये टाइम होता है रात का टाइम। अब जब हम दिन भर खाते रहते हैं, रात को 9 बजे खाते हैं, 2 बजे खाते हैं, जब भी खाते हैं, तो हमारी प्राण शक्ति को मौका ही नहीं मिल पाता है, और वो रात भर सिर्फ और सिर्फ हमारे खाने को पचाने के लिए ही लगी रहती है। अब रात के टाइम हमारा दिमाग बोलता है कि सोना है, हमें नींद आती है, हमें ज़रूरत होती है, हमारा शरीर बोलता है हमें सोना है, लेकिन प्राण शक्ति को आपने ऑलरेडी एक काम दिया हुआ होता है और वो होता है खाने को पचाने का। तो प्राण शक्ति अपने डाइजेशन में लगी रहती है। इसीलिए इसमें दो चीज़ों का आपस में टकराव होता है। हमारा दिमाग सोने के लिए बोलता है, प्राण शक्ति अंदर से खाने को पचाने का काम करती है। तो इस बीच जो हम गहरी नींद में हमें जाना ज़रूरी होता है अपने आप को अंदर से हील करने के लिए, तो हम गहरी नींद में जा ही नहीं पाते हैं। इसकी वजह से भी हम जब सुबह उठते हैं तो हमें कोई फ्रेशनेस नहीं होती है, हमें कोई एनर्जी नहीं होती है, हमें बहुत ज़्यादा डलनेस होती है, कोई भी काम को करने के लिए हम कोई इंटरेस्ट जल्दी से नहीं दिखाते हैं। तो ये सब रीज़न यही है कि हम पूरा दिन जो अनशन खाते हैं, हमारी प्राण शक्ति सिर्फ और सिर्फ उस खाने को पचाने में लगी रहती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम देखें कि अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो नियम है वो अगर अपना लें, तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि जैसे ही सूरज अस्त होता है तब हम अपना डिनर कर लें। यानी कि अगर आप लगभग 7 बजे रात को अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं, तो अगले दिन स्टार्टिंग में आप कुछ दिनों के लिए इस चीज़ को फॉलो करें कि 7 बजे शाम को अगर आप डिनर कर लेते हैं, तो अगले दिन जब सुबह 7 बजे तब आप अपना नाश्ता कर सकते हैं, या अदर कुछ भी अगर आप लेते हैं तो वो ले सकते हैं। तो आपकी 12 घंटे की फास्टिंग होती है। इसमें लगभग एक रात के 1 बजे तक आपका जो खाना है वो लगभग पच चुका होता है, और उसके बाद का जो भी 4 से 5 घंटे का टाइम होता है वो उसमें आपकी जो प्राण शक्ति होती है वो आपके शरीर को अंदर से हील करने का टाइम देती है। अब थोड़े दिन जब इसको फॉलो कर लें, तो इसके टाइम पीरियड को, यानी जो आपकी फास्टिंग विंडो है, इसको बढ़ा दें। किस तरीके से? कि आपने रात को 7 बजे खाना खाया, अब अगले दिन आप जो सुबह आप 11 बजे सुबह के 11 बजे आप कुछ खाएं, तो इससे आपको 16 घंटे की फास्टिंग विंडो हो जाएगी। अब इस 16 घंटे की फास्टिंग में आपको आपकी जो प्राण शक्ति है वो आपके शरीर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी अंदर से रिपेयरिंग की जिस भी पार्ट को ज़रूरत है, अंदर के ऑर्गन्स में जहाँ कहीं भी कोई कमी है, टूट फूट है, उसको रिपेयर करने में अपना टाइम देगी और उसको रिपेयर करेगी। इससे आपका जो शरीर है उसमें कोई बीमारी नहीं हो पाएगी, आपका जो शरीर है वो अंदर से अपने आप ऑटोमेटिकली क्लीन होने लगेगा, साफ होने लगेगा। ओबेसिटी की प्रॉब्लम है,
फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, छारियां हैं, बाल झड़ते हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, डाइजेशन इश्यू है, डिप्रेशन में अगर बहुत ज्यादा जाते हो, टेंशन बहुत ज्यादा लेते हो, ओवरी में सिस्ट है, पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स रेगुलर नहीं है, हार्मोन्स इंबैलेंस है, उसके साथ साथ माइग्रेन, कोई एक्स वाई जेड कोई भी बीमारी है, वो सब अपने आप ही ठीक होने लगती है। क्योंकि आपका जो शरीर है जब वो खाली रहने लगता है तो आपकी जो प्राण शक्ति है वो अपने आप अपने शरीर को ठीक करने लगती है, जिससे आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस एक नियम को, इस एक सिंपल से नियम को अपना लीजिए कि सूर्य अस्त होने के बाद आप कुछ ना खाएं, सूर्य उदय होने के बाद कम से कम मौका दें, और 7 बजे अगर आपने रात को डिनर किया है तो अगले दिन 11 बजे ही आप कुछ खाएं, उसके बीच आप कुछ नहीं खाएं, नारियल पानी आप पी सकते हैं क्योंकि इससे आपका शरीर डिटॉक्स होता है और इस प्रोसेस जो हमारा इंटरमीटिंग फास्टिंग है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। तो अगर आप सुबह नारियल पानी पीते हैं तो वो आप पी सकते हैं, लेकिन इस बीच अगर आप कुछ नहीं खाते हैं, अपने पेट को पूरा खाली रखते हैं, तो जो आपका शरीर है वो अंदर से डिटॉक्स होने लगता है, साफ होने लगता है, खून साफ होने लगता है, जो आपके नसों में ब्लॉकेज होती है वो अपने आप साफ होने लगती है। जब हम हमारे शरीर को खाली छोड़ते हैं, जब नसें जो है खाली रहती हैं, हमारी शरीर जब खाली रहता है तो इससे हमारा शरीर अपने आप ठीक होने लगता है और शरीर की 80% से ज़्यादा बीमारियाँ इसी एक वजह से होती है कि हम दिन भर सिर्फ खाते रहते हैं। तो इस खाने की आदत को हमें रोकना होगा और कम से कम 16 घंटे की फास्टिंग जो मैंने आपको बताई, जिसमें बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें कम से कम आपके 7 से 8 घंटे सिर्फ सोने सोने में ही निकल जाते हैं, तो आपको करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आपका न केवल हमेशा पेट साफ रहने लगेगा और जो भी बीमारियां होती है वो हमारे पेट से ही होकर निकलती हैं। तो आपका जब पेट साफ रहने लगेगा, सही रहने लगेगा, तो आपको कोई बीमारियां होने की कोई चांसेस हो ही नहीं सकते हैं। उसके साथ एक चीज़ और फॉलो करिए कि कुछ भी खाते हैं तो उसे कम से कम 1 ग्रास को आप 32 बार ज़रूर चबाएं, जिससे ये एक लार में बदल जाए और जो सलाइवा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और ये जब टुकड़ों में हमारे मुंह में ही अच्छे से हम जो भी खाते हैं वो जब टूट जाता है तो खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने में मदद मिलती है। तो एक बार 32 बार 1 ग्रास को 32 बार चबाने की आदत ज़रूर डालें, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, टॉपिक पसंद आया हो, आपके काम का आपको लगा हो, और हाँ, इस नियम को अगर आप आज से ही फॉलो करने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और ये चैलेंज एक्सेप्ट अगर आप करते हो कि आप 21 दिन तक अगर आप इंटरमिटिंग फास्टिंग के इस चैलेंज को अगर एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट सेक्शन में आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज ज़रूर लिखना और मुझे ज़रूर बताना कि आप में से कितने सारे लोग हैं जो हमारे इस पुराने कल्चर को वापस से अडेप्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।